हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। तो आज मैं बनाने लगा हूँ कटलेट्स ओट्स और दाल के। तो ओट्स मैंने लिए हैं करीब 4 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच मूंग की दाल ली है, ये वाली दाल ली है मैंने मूंग की बिना छिलके की, और 3 ही बड़े चम्मच चने की दाल ली है। तो सबसे पहले इन दोनों दालों को धोकर अच्छी तरह से भिगोने के लिए रख देंगे। करीब 2 घंटे के लिए मैंने इसको पानी में रखा था, तो ये अच्छे से फूल गई हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इनको इकट्ठा ही मैंने भिगो लिया था। उसके बाद जो ओट्स हैं इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तवे पर। तो हल्का सा इसको रोस्ट कर लेते हैं। तो जो ओट्स हैं ये भी ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, अब इन चीज़ों को हम वो है ग्राइंड कर लेंगे। तो कोर्सली इसको ग्राइंड कर लेंगे, दानेदार रहना चाहिए। तो ग्राइंडर में ऐड करेंगे ओट्स। तो इसके बाद इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, डालेंगे अजवाइन, करीब 2 चुटकी हींग, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक, नमक कम ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और थोड़ा सा जाएगा इसमें गरम मसाला और धनिया पाउडर। अब इन सभी चीजों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए एक परफेक्टली जो ग्राइंड हो चुका है, तो बिल्कुल इसको ऐसे ही कोर्सली ग्राइंड करना है, दानेदार रहना चाहिए ये, बिल्कुल इसको पेस्ट ना बनाएं। तो इसे अपने बर्तन में निकाल के हम इसके कटलेट की शेप देंगे और तवे या पैन पे शैलो फ्राई करेंगे। तो जो दाल का मिक्सचर हमने रेडी किया था उसके कटलेट की शेप में आप इसे रख लें, और तवे पे इसके शैलो फ्राई हम करेंगे। तो पैन में मैंने तेल गरम किया है, अब इसमें हम कटलेट्स को डाल देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे, और बीच में से इसे साइड इसकी चेंज करते हुए नहीं, ताकि एक साइड से ज़्यादा ओवर कुक ना होने पाए। तो देखिए इसकी जो साइड है एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और दूसरी साइड में इनकी चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों साइड से परफेक्टली गोल्डन ब्राउनिंग हो चुके हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये कटलेट्स बने हैं दाल और ओट्स के। तो दोस्तों जरूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।